वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो भाई आज बड़े दिनों के बाद यार दिल हो रहा था बहुत दिनों से कि कुछ ना वीडियो बनाए, कुछ ब्लॉग बनाए, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था काम की वजह से। कहते काम कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। कभी दिल बोलता है ब्लॉग बनाने के लिए तो काम आ जाता है, तो काम में चला जाता हूँ, तो दिन भर वही उधर ही चला जाता है पूरा दिन काम में। तो आज थोड़ी देर घर में था, अभी बज रहे 12:30, तो अभी भी घर में हूँ। तो सोचा यार आज थोड़ा सा टाइम पास, थोड़ा सा ब्लॉग बनाए। तो ये हमारा भाई है, हमारा बच्चा क्या बम्बा वो नहीं। तो आज मैं इसलिए घर में बैठा था क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। अब वो बकरी गई ना मम्मा, अब वो बकर को थोड़ा सा जुकाम और बुखार वगैरह था, तो इसलिए यहाँ से जाने के लिए दिल नहीं हो रहा था। और कैसे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है ऑफिस पे, इसलिए मैं घर में आज बैठा हूँ। तो आज सोचा थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे बच्चों के साथ में, और बच्चों का भी बाहर भी लेके जाने जैसा कुछ टाइम नहीं है, मतलब बच्चे की तबीयत खराब है इसलिए। अगर चलो खाना खाएंगे बेटा। तूने मम्मा खाए खाना खाए क्या? या अब बकर की बैठने की स्टाइल देख लो, खाए मोबाइल देखते टाइम ये जब देखते हैं ना मोबाइल सो के तो कैसे देखते हैं। तो ये मेरे लिए आ गए लस्सी और रोटी, क्योंकि घर वाले ने मुझको मेरे को चैनल चैलेंज दिया है कि 10 दिन बोले, हाँ 10 दिन सिर्फ घर में वेज बनेगा। हाँ ओनली वेज है ना मैनू, हाँ। सिर्फ वेज, नॉन वेज बंद। क्यों? क्योंकि हमारे अबू बकर को चिकन पॉप्स आया है इसलिए। हाँ। तो 8-10 दिन सिर्फ वेज बनेगा। हाँ, हाँ। तो इसलिए आज मेरा नाश्ते में क्या है, मैं आज लस्सी और रोटी। हाँ। आज अपन खाएंगे लस्सी और रोटी। हाँ। अम्मी को बोल घर में आओ, दूसरा क्या बना ले बोले। अम्मी घर में और क्या बना ले बोले, घर में क्या बना ले और बेसन रोटी। बेसन रोटी ठीक है, अम्मी को बोल बेसन लाने के लिए। जा मम्मी बेसन रोटी तू लेकर। तो ये अम्मी ने लेकर आए भी बेसन। हेलो। हाँ अभी नाश्ता वगैरह हो गया, अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर। अभी क्या बोले काम का ही है। हाँ भैया ले वो अबू बकर बोलो। तो अभी सबसे पहले गाड़ी वगैरह साफ करेंगे, क्योंकि आज मैंने कल रात में गाड़ी पे कुछ उड़ाया नहीं, तो तूने भी नहीं उड़ाई है कि नहीं। गाड़ी की वाट लग दे, कैसी लगी लगे तुझे धुने की धुन लग गई उसको। हाँ भैया ये गाड़ी पे रात में मैंने कुछ उसमें उसका जो कवर होता है वो लगाया नहीं, तो इस पर धूल देखो कितना पड़ गया। वापस उसको फिर पहुँचना पड़ता, वापस उसमें टाइम पास होता मालूम के। दिखा जरा कपड़ा दे मेरे को पहुँचने के लिए। भैया साफ करेंगे तू, ए अबू बकर साफ करेंगे क्या? क्या ये पोच पहले टाकी पोच। हाँ टाकी पोच पहले। अब पैसे गिरे ना तेरे उठा पैसे। मैं हमारे से पहले अबू बकर रहता है ना, अबू बकर है ना क्या? साफ गाड़ी वगैरह साफ करके पहले निकलता हूँ मार्केट में, वह काम वगैरह देखेंगे क्या है, तो पहले गाड़ी वगैरह साफ कर लेंगे। तो मैं आ गया अभी मार्केट में, तो अभी जा रहा हूँ कलेक्शन के लिए, कलेक्शन के निकला हूँ मैं अभी। तो आपको मैं मार्केट देखा, तो हमारे पुणे का जापुरा में कलेक्शन वगैरह होता है हमारा। ये अपना एकदम फेवरेट फुल वेज वेजिटेरियन सब खाना मिलता है यहाँ पर, मतलब जैसा वड़ा पाव पेटिस वगैरह। तो यहाँ पर ये कपड़े का मार्केट चालू हो गया। ये मैं अभी हूँ भौरियली में, यहाँ पर साड़ी जैसे शादी के जो भी शॉपिंग होती है ज़्यादातर लोग बाहर से यहाँ पर ही आते शॉपिंग, साड़ी वगैरह ड्रेस मटेरियल और ब्यूटी का सामान। बहुत बड़े बड़े शॉप है यहाँ पर, ये भारतीय ब्यूटिक फुल मार्केट है। एरिया जो पड़ता है रेवार पेट भौरियली, यहाँ पर मैं आपको एक शॉप दिखाता हूँ, यहाँ पर जो वेपन्स वगैरह मिलते हैं, गन्स वगैरह।
पता नहीं, मैं तो अंदर कभी गया नहीं, बाहर से ही शॉप देखा इसलिए आपको। तो ये शॉप है वो जो वेपन्स का फोटो लगाया हुआ था, शायद अंदर गन्स वगैरह, लाइसेंस की गन्स वगैरह मिलती होंगी। और यहाँ पर आगे एक मेरा फेवरेट कुल्फी वाला रुकता है, उस बार फेवरेट कुल्फी वाला। तो आपको मैं उसका शॉप भी दिखाता हूँ, शॉप में उसके बाद जो कुल्फी वगैरह जो होती है बहुत ही टेस्टी और एकदम फुल मज़ेदार में। तो मैं अभी पैदल उधर ही जा रहा हूँ, मेरा उसके आगे कुछ काम है, तो यहाँ से खाकर निकल जाएंगे। ये सामने आपको दिख रही होंगी मोहन, ये मोहन कुल्फी आइसक्रीम, बहुत ही फेमस एरिया है, बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो मैंने यहाँ से कुल्फी ले ली है, यहाँ से आगे मेरा थोड़ा सा काम है, वहाँ पर जाकर काम वगैरह करूँगा, फिर वहाँ से फिर से पैदल निकलना है मेरे को। तो ये ब्लॉग इधर भी ख़त्म करता हूँ, तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।